Achha! Om Mim! Achha! Om Mim! Achha! महिमा तो देखो, आज उसने फिर वही रूप लिया है जो 20 साल पहले लिया था। इतिहास आज के समक्ष आकर खड़ा हो गया है, वो हमें चुनौती दे रहा है। यह इसका अंत नहीं, प्रारंभ है जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ था। मैं भूला नहीं हूं, ना तुम्हें भूलने दूंगा। प्रतिशोध होगा। कल जो अन्याय हुआ था उसका न्याय होगा। ये कटक का भैरव का वचन है। Hey!
परिवार के विनाश का आवाहन कर दो। तुझे अपनी भी फिक्र है। बड़ा अच्छा हुआ ना, अब हम यंग पीपल फन करेंगे, है ना? अरे बजाना क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा सा ना इंस्पिरेशन का इशू हो गया था पास। मतलब वो क्या होता है ना भाभी कि कुछ लड़कियां होती हैं जिनको देख के मन करता है कि बस गाते ही जाओ एंड ट्रस्ट मी भाभी, जैसे ही मैंने आपको देखा ना तुम आवाज आई। बेटा अर्जुन गाना बंद कर दो, गाना बंद कर दो। प्लीज डोंट माइंड हर, ये घर पे भी ना ऐसे गंदे गंदे जोक्स मारते हैं। अच्छा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ से हमारे घर आ रही हो। हम ना तुम पे ऐसे जोक्स तो क्रैक नहीं करेंगे, तुम्हें बहुत हैप्पी हैप्पी रखेंगे। हम शॉपिंग जाएंगे साथ, पार्लर जाएंगे और करवा चौथ में मैं भूखी नहीं रह सकती। तू बहुत एक्साइटेड थी ना कि अब मेरी ऋतिक के साथ शादी होगी, बारात आएगी, मैं वरमाला करूंगी। तो उसके साइड इफेक्ट्स भी झेलो। भाभी इसे ना वैसे घूंघट निकलवाना है, इसे लंबा वाला। वैसे मैं कोई भी ओल्ड फैशन चीज नहीं करने वाली और मेरे ऋतिक को ना कुछ नहीं होने वाला। आपने की रित्विक को देखा? नहीं तो, और सारे बच्चे बाहर हैं, उन्हीं के साथ होगा। और ये? ये तो वहीं होंगे जहाँ उन्हें होना चाहिए। सेहत बना रहे होंगे अपनी। बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। ऋतिक को कहीं तुझसे कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। हो गया, चले। सोना एंकी, सब वेट कर रहे हैं, सारा काम मैं अकेले संभाल रही हूँ। चौथा सेट है। जिस बेटे की एंगेजमेंट को एक दिन हो उसके बाप को क्या करना जरूरी है? बाइसेप्स करना। बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स बाकी है। एंकी आपको पता है आपका बेटा कहाँ है? आपको मेरे शौक के बारे में पता है, अपने बेटे के शौक के बारे में नहीं पता। नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, नेटवर्क ढूंढ रहा होगा। अच्छा ऋतिक, ऋतिक इस हवेली से बाहर गया? ऊपर से ये मौसम, एंकी आपने उसे जाने कैसे दिया? आपको पता नहीं कि 20 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? अच्छी तरह याद है मुझे 20 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था। हाँ लेकिन ना, अगर आप इस बात को बार बार दोहराएंगे ना तो आपके बेटे को ये बात जरूर पता चल जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे? क्या करूं मैं? भूलने की कोशिश करती हूँ लेकिन याद आ जाती है। याद आ जाती है। आप जानती है ना कि मुझे 20 साल आगे आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, एक नया इंसान बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है। आज मैं इस देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मैग्नेट हूँ। मैं बस यही बने रहना चाहता हूँ। सुनो वो देव डी लॉक है ना? हाँ, 3-4 बार चेक कर ले, एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। इस जगह पर मुझे भरोसा नहीं है। तो फिर क्यों आई हो वापस? क्योंकि डर लगता है मुझे इस जगह से, और डर भाग जाने से नहीं सामना करने से खत्म होता है। ये आदमी इतने आराम से कैसे बैठा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
पता नहीं ऋतिक कहाँ है। पांच दिन रह गए तेरी शादी को यार, डर नहीं लग रहा? कहीं कोई नजर ना लग जाए। इतना परफेक्ट जो है मेरा रहते अबे ये बताओ तूने कुछ लॉन्जरी खरीदा या नहीं? मेरी माँ पागल है क्या? मेरी माँ यही कहीं घूम रहे होंगे। बता दो ली के नहीं। अरे सबसे जरूरी चीज है ये। जब तक रंभा नहीं ना तो उसको कंट्रोल कैसे करेगी? बात तो तूने सही की है। सोच रही हूँ एक नाइटी ले लूं। सेक्सी सी। यार अगर मैं मॉम इन लॉ के जैसे ओल्ड फैशन रह गई ना तो ऋतिक मुझे बिल्कुल नहीं देखने वाला। मॉम तुमने ऋतिक को कहीं देखा है? जी वहां। जानती हो भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और भैरवनाथ भी। क्यों? क्योंकि उस न्याय मूर्ति को सबके कर्म का फल देना आता है। जब कोई पुण्य करता है तो वो उसके लिए भोलेनाथ है और जो पाप करते हैं उनके लिए भैरवनाथ, विनाश के नाथ। और उनके लिए सबसे बड़ा पाप क्या है जानती हो? उनके निष्ठावानों को, उनके सेवकों को चोट पहुंचाना। जाओ अपना कार्य संपन्न करो। आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन सभी नाग शिव जी को प्रसन्न करते हैं। आज से तुम्हारा बदला प्रारंभ होगा। गुरुवर आपने तो कहा था कि आज की रात पूजा के लिए सबसे सिद्ध रात है, तो फिर ये? कटक का कभी गलत नहीं होता। आज सिद्ध रात है, सर्व शक्तियों की रात। किंतु भूल से भी ये समझने की गलती मत करना कि शक्ति सेविका होती है, वो स्वयं अपनी मर्जी की मालिक है। हम उसे आदेश नहीं दे सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं। वो जो चाहती है वही करती है, चाहे तो बनाती है या बिगाड़ती है। पता नहीं आज की रात शक्ति
किस पर दयालु होगी। आपका दिमाग खराब हो गया यामिनी जी। जब देखो यहां पर मंदिर की तरफ खींची चली आती है, ऋतिक वहां पर क्या करने जाएगा? हाँ, तुम्हें मंदिर जाना है ना, जाओ। मैं जा रहा हूं ऋतिक को ढूंढने। हे दयालु, आज तो तेरी रात्रि है, शिव की रात्रि, और मुझे पता है आज मैं तुझसे कुछ भी मांगूंगी ना, तू मना नहीं करेगा प्रभु। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरे बेटे की जिंदगी चाहिए, और तू मेरी इच्छा पूरी करेगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा प्रभु। कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम खुद 25 किलो की हो, तुम्हारे सारे बचने की कोशिश की ना तो वैसे ही गिर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी, आप प्लीज ऊपर आने की कोशिश कीजिए। तुम इतनी पतली दुबली सी नाजुक सी, मुझे ऊपर कैसे खींचोगी? खींचने के लिए इरादा चाहिए, जोर नहीं। अब प्लीज ऊपर आइए। तुम क्या वेट उठाती हो? ये मजाक करने का समय नहीं है। उसे कम मरा तो इस तसल्ली के साथ मरूंगा कि तुम्हारी स्माइल देख के मरना।
मरना जरूरी है क्या? अगर मजाक नहीं किया होता तो कितनी देर पहले खींच चुकी होती। पर बेहतर कहानी वो होती है जिसमें तुम्हें हंसाते हंसाते मरता। नाम क्या है तुम्हारा? क्यों? थैंक यू किसे बोलूंगा? तुम्हें किस नाम से बुलाऊंगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर सकती। अरे क्यों बात नहीं कर सकती? कहा था तू क्या है? कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, फुपाड़ी से गिर गया था, पैर स्लिप हो गया था। भाई क्या बात है, नेटवर्क ढूंढते ढूंढते पहाड़ी से गिर गया? मैं तो आज तक ये सोचता था कि लोग लड़की के चक्कर में गिरते हैं, लेकिन तू पहला है जो नेटवर्क के चक्कर में पहाड़ी से गिर गया है। चाचू इसको ना एक सैटेलाइट फोन लाके दे दो, आज बच गया है, लेकिन अगली बार कहीं नेटवर्क पकड़ते पकड़ते इसका नेटवर्क ऑफ ना हो जाए। बस। यामिनी जी, आप एंगेजमेंट के लिए यहाँ पे आना चाहती थी ना? हम यहाँ पे आए लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे बेटे की जान खतरे में आ गई। आपको जो कुछ भी करना है पूजा आरती चल के मुंबई में करिए। हम मुंबई वापस जा रहे हैं, मैंने कहा ना बस हम वापस जा रहे हैं, दैट्स फाइनल, वापस चलने के लिए तैयार हो। चलो कम ऑन, चलो। अरे चिन, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ बताओ तो, मैं क्या कर रही हूँ? 10 साल की उम्र से मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ और 11 साल से मैं तुम्हें ये रियलाइज करवा रही हूँ कि मैं तुमसे सच में कितना प्यार करती हूँ, और कई बार सक्सेसफुल भी रही। और 4 साल से मैं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उतना कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम से हमें बिना बताए तुम कहीं गए ना तो तुम क्या करोगे? मैं खुद ही तुम्हें थक्के मार के गिरा दूँ। तुम कभी भी किसी के लिए केयर ही नहीं कर सकते, हर वक्त बिजी रहते हो, कभी काम कभी मीटिंग, मन किया तो कॉल किया नहीं तो वो भी नहीं। मैं ही सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए घंटों घंटों वेट भी कर सकती हूँ, पर दोबारा अपनी जान को खतरे में डाला ना तुमने तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सॉरी तन्वी, तुम्हें पहले इतने गुस्से में कभी देखा नहीं। आई थिंक डैड की थियोरी बिल्कुल सही है, तुम अपने मॉम के साथ चेक कर लो, तुम सच में 100 साल की हो गई हो और इच्छाधारी नागिन हो। How mean? अरे अभी से मार रही हो, शादी हुई नहीं है, शादी के बाद क्या करोगी? दोबारा ऐसी हरकतें करके देखो फिर बताती हूँ। सच बताओ क्या हुआ था वहाँ पे? सब कुछ तो बता दिया, वहाँ धुंध थी, मैं ठीक से देख नहीं पाया और पैर फिसल गया। उसके बाद उस लड़की ने आके तुम्हारी जान बचाई? हाँ। चक्कर क्या है, तुम्हारे सपने में कोई और लड़की आती है फिर कोई और लड़की आके तुम्हारी जान बचाती है। बच्चों तुम जब तक बनते हो ना उतने सिंपल हो नहीं। इतनी लंबी लाइन, क्या ये बंद क्यों है? सॉरी सर आप आगे नहीं जा सकते, आगे लैंडस्लाइड हुई है। ये क्या, अब क्यों रोक दिया? बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे वाह बेटा, मूंगफली ले लो, गरीब का भला हो जाएगा। अरे भगवान आपका भला करेंगे, दो दो, बहुत भूख लगी, दो पैकेट दो दो पैकेट,
एक मिनट, ये लो सारे रख लो। और उसकी बाहें उसे छू लेती हैं और फिर वो एक नागिन बन जाती है। अरे किताबें पढ़ो तो ऐसी के मजा आ जाए, नागिन भी हॉट एंड सेक्सी। वाह। और वो अपने फन से उसे डस लेती है। ये फन भी ना कितना भयानक हो सकता है, हा? और फिर वो नागिन एक मनुष्य का रूप धारण करती है और पूरे 100 साल की तपस्या के बाद, अरे यार मेरी तपस्या कब खत्म होगी, कब आएगी मेरी जिंदगी में बल खाती ले खाती मेरी नागिन। आजा। ये लोग कब से बोल रहे हो मान रहे हैं, आगे लैंडस्लाइड हुआ है और ये लोग मुंबई जाना चाहते हैं। हेलो हेलो, ये लोग नहीं, एंकी एंकी रह जा। एक्चुअली मैं एक बहुत बड़े समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, समझ रहे हैं ना, फन मारने वाली बड़ा। हाँ बहुत बड़ा केस था वो, तो दिख रहा है ये बड़ा फन, आई मीन बड़प्पन। ए हीरो, हवलदार ने एक बार कहा नहीं जा सकते तो मतलब नहीं जा सकते। देखिए मेरी शादी है और हमें हवेली नहीं जाना, हमें मुंबई जाना है। ओ अच्छा अच्छा, वो हवेली वाले राजा साहब, आजकल हम बहुत बातें सुन रहे हैं आपकी हवेली के बारे में। हमें हवेली के बारे में कुछ नहीं जानना है, हमें मुंबई भिजवा दीजिए प्लीज। ठीक है, मुझे भी आपसे मुंबई जाने की बात नहीं करनी। शायद आप अब आप जा सकते हैं, बाहर एक छोटा सा रास्ता है, हम उसे खोल देंगे। पापा छाया भाभी को बाहर उल्टियां हो रही हैं। अरे वाह, शादी से पहले गुड न्यूज। देखिए वो मेरी भाभी है। तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा। गो देखो सही। क्या हुआ वीरेन भैया? एक बूढ़ी औरत आई थी मूंगफली बेचने, इससे कंट्रोल तो होता है नहीं, सारा खा लिया और अब देखो हालत क्या हो गई है। लेकिन लेकिन इस बारिश में मूंगफली बेचने कौन आया था? लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। चलो मेरी बात हो गई, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। डैड हमें मुंबई नहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, भाभी की हालत तो देखो। मुंबई में भी कई हॉस्पिटल हैं, हम इसे वहाँ पे दिखा देंगे, चलो अभी। प्रॉब्लम क्या है डैड? पहले आपको यहाँ आने में प्रॉब्लम थी, फिर यहाँ से जाने के लिए हाइपर हो रहे हो, आखिर बात क्या है? मैं भी जानना चाहता हूँ इस जगह की कहानी। जहाँ आते ही मेरी जान खतरे में पड़ गई, बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, चलिए ना हम वापस हवेली चलते हैं। देखिए छाया की तबीयत खराब हो रही है। हम हवेली नहीं जा रहे, हम अभी का अभी वापस चल रहे हैं। डैड पर हम जाएंगे कैसे? एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? पर अभी तो मेरी आपसे बात हुई। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? एक बार ना कह दिया तो ना कह दिया, यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता है जो तूफान की वजह से बह गया है, जिसे ठीक होने में सारी रात लगेगी। जाइए यहाँ से, सारे के सारे जाइए। अरे जाइए वापस जहाँ से आए हैं। डैड एक ही रात की तो बात है, हवेली की तरफ वापस चलते हैं, कल निकल जाएंगे। चलिए चलो।
नहीं जाने दूंगी, मैंने जो चाहा है वही होगा, जो चाहे कर लो। नौकरों से कहा था कि हवेली बंद करके ताला लगा दें, फिर ये सजावट किसने करवाई है? ऋतिक को अपना काम करना आता है, आपको अपनी बॉडी बनानी आती है, और मुझे अपना घर चलाना आता है। मैंने इन्हें वापस बुलाया है। खैर, आप जाइए, आराम कीजिए, एंगेजमेंट की सारी तैयारियां मैं संभालूंगी। लड़की से मिलने जा रहा हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई। हाँ। सुंदर थी क्या? काफी। बच्चू, तुम मुझे जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हो? तुम हो रही हो ना, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किसी लड़की को उस नजर से देख ही नहीं सकते। किस नजर से? वैसे जैसे वो तुम्हें बहुत प्रिटी लगने लगे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो प्रिटी है। होगी, पर मैं जानती हूं तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही लड़की है जिसे तुम प्यार करने दोगे और जिससे तुम्हारी शादी होगी, और वो मैं हूं। ओके, अब मैं जाऊं। लेकिन इस वक्त तुम उसे कहां ढूंढोगे? अरे वो यही है, वो लड़की जो जिसने चाय भाई पर कॉफी गिराई थी। वो मरीज खांसने वाली? ठीक है, फिर तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना, वहां से मरीज बनकर मत आ जाना। मैं भी किससे इनसिक्योर हो रही थी, उससे मेरा क्या कॉम्पिटिशन। कौन है? कौन है? फायर कर दूंगा। यहां सर, आप वो लड़की कहां है? कौन सी लड़की सर? जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वो गई तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाएगा। वो घायल सोल्जर, वो वाली, वो तो चली गई सर। कहाँ? शायद अपने घर जयपुर। कहाँ रहती है वो जयपुर में? मुझे नहीं पता सर। अगर वो लड़की एंगेजमेंट में नहीं आई तो तुम भी मत आना। यू आर फायर्ड सर। एक पता सर, ये सर, पर मैं कल तक इसे जयपुर से कैसे लाऊंगा सर? मैं ले आऊंगा उसे। सर, पर आप कैसे आएंगे सर? रास्ते तो सारे बंद है। वो भी तो गई थी ना ब्लॉक रास्ते से, मैं भी चला जाऊंगा। नाम क्या है उसका? शिवन्या। शिवन्या, ये
ये कोई वक्त है घर आने का इतनी देर रात को? उफ़ दीदी, अभी तो 3 बजे हैं, 5 बजे तो सुबह होगी, तो फिर ये देर रात नहीं, अर्ली मॉर्निंग है। एकदम चुप। इतनी रात को अकेले सड़क पर कुछ हो जाता तो उस अनाथ आश्रम में रहने से बुरा नहीं होता दी। मुझे उस अनाथ आश्रम में नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है दी। मैं वो नहीं रहना चाहती। अब कैसे समझाऊं? आप प्लीज अपना गुस्सा मुझ पे मत निकालो, अपने कुकिंग पे निकालो, जैसे आप हमेशा निकालते थे। देख पूजा, मुझे गुस्सा तुझ पर नहीं, खुद पर आ रहा है। मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से तेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रही हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दे, जैसे ही काम मिलेगा ना और थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं खुद जाकर तुझे वहाँ से ले आऊंगी। तो मेरे पास एक आइडिया है पैसे इकट्ठे करने का। आप अपने गुस्से वाला केक बेचना शुरू कर दो। इतना अच्छा है मेरा केक? दी बेस्ट। अब कैसे ढूंढूंगा उसे? मिस शिवन्या, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें मिस शिवन्या? Where is पूजा? हमें पता है वो यही आया होगा। 5 बार तुम भाग चुका है, फिर से अभी भागा तो तुम अनाथ आश्रम से निकाल दी जाओगी। हमें माफ कर दीजिए मैम, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देखो वार्डन मैम कितनी अच्छी है, कितनी केयरिंग है, तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। अब बोलो, तुम अब कभी भी इन्हें परेशान करोगी? नहीं दीदी, सॉरी मैम। अब जाओ, इनके साथ वापस जाओ और प्रॉमिस करो कि इन्हें कभी परेशान नहीं करोगी। प्रॉमिस। ओके बाय। बाय। आई लव यू। जाओ आप। बाय बाय बाय। ओफो, अब ये लड़की दोबारा क्यों वापस आ गई? कहा ना आई लव यू टू। अब जा। मैं तो रास्ता पूछने आया था, मंजिल पर ही पहुंच गया। ये तो 70s की किसी हिट फिल्म का सीन नहीं लग रहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चीनी कम है। पर आपने नहीं बताया आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने सुना तुमने अपनी जॉब छोड़ दी। मैं नहीं चाहती कि ये बार बार यहाँ आता रहे। इसे रोकने का एक ही रास्ता है। देखिए मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, पर जल्दी आने वाले हैं। तो उनसे भी मिल लेंगे। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे पैसे और तुम्हारी नौकरी देने आया हूँ। ये लो।
सुनो, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, प्लीज। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। थैंक यू। वैसे आपके पति गए कहाँ हैं इतने रात को? वो किसी काम से बाहर गए, लेकिन आने ही वाले हैं। अगर आपके पति को बुरा ना लगे तो मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा प्लीज? सुनो ठंडा, तुम कहाँ हो और बाहर क्यों गए हो? मैं क्या करूं यार, वो इतनी हॉट थी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और जब तुमने कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने सोचा मुझे क्यों हो। प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सॉरी यू आर टू लेट, मुझे तो प्यार भी हो गया। जो शराब हो गया। अरे तन्वी, शादीशुदा ही है, बस यहाँ फंस गया हूँ, गाड़ी खराब हो गई है। अर्जुन से कह के किसी मैकेनिक को भिजवा देना। और सुनो, घर पे किसी को मत बताना, पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे क्यों बताया? अरे तुम तो मेरी फ्रेंड हो, और फ्रेंड्स को तो सब कुछ बताते हैं ना। और वैसे भी मेरी शादी होने वाली है तुम्हारे साथ, तो तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा मॉम को फोन दो, उनसे बहुत सारे झूठ बोलने हैं। हे भगवान, तो अब तू है कहाँ? डोंट वरी, मैं सेफ हूँ, एक मीटिंग के लिए आया हूँ। तू वहाँ गया कैसे? हाँ डार्लिंग, बस आ रहा हूँ, काम के लिए बाहर आया था, एक मीटिंग है 6 फुट के मुस्टंडे के साथ। शादी कर रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोल रहा है, इसकी पोल अभी खोलती हूँ मैं। सुनिए, पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है ना? तू तो कह रहा था कि किसी लड़के के साथ तेरी मीटिंग चल रही है, पीछे से किसी लड़की की आवाज आ रही है। टीवी डार्लिंग, टीवी से आवाज आ रही है लड़की की। वो मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं आता हूँ, टेंशन मत लेना। ओके सॉरी, मुझे आधा घंटा यहीं रुकना पड़ेगा, मैकेनिक आ रहा गाड़ी ठीक करने के लिए, इतना वक्त तो लगता ही है ना। और उसके बाद मुझे अपनी एंगेजमेंट पे जाना है। तुम्हें अगर तुम्हारी जॉब वापस चाहिए तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, अपने पति को बता देना, 1-2 दिन में वापस आ जाओ। आपकी एंगेजमेंट होने वाली है तो आप हवेली से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें काम देने आया हूँ। और एक बात। क्या? तुम्हें थैंक यू कहना था। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक आप यहां रुक सकते हैं, पर उसके बाद में मैकेनिक, ये लो गाड़ी की चाबी, बाहर है और जल्दी ठीक कर देना। तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम बताना नहीं चाहती, तुम्हारी घर की हालत तुम्हारा बिल बता रहा है, तुम नौकरी के लिए मना क्यों कर रही हो? कल तुमने मुझे बचाया था, आज मैंने तुम्हें बचा लिया। मैंने आपको पहाड़ी पर से गिरने से बचाया था और आपने मुझे इस मोमबत्ती से। आपको नहीं लगता कि दोनों में बहुत फर्क है? वैसे आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। उस दिन भी आपको बचाना मुझे सही लगा तो मैंने किया, पर आज मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती, वो गलत होगा।
Well, तुमने अभी कहा कि तुम वही करती हो जो तुम्हें ठीक लगता है। मैं भी बिल्कुल वैसे ही करता। और फिलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं और तुम्हें तुम्हारी नौकरी दूं। पर जिद क्यों कर रही हो? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर। मुझे एक केटरिंग वाला चाहिए और तुम्हें कोई जगह चाहिए जहां तुम केटर कर सको। फिर एहसान किसका और किस पे? दो तीन दिनों में इतने पैसे मिल जाएंगे कि ये छत फिक्स कर सकोगे। चलो आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं 5 मिनट तक तुम्हारा घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। अपने घर के चारों तरफ देख लो, अगर तुम्हें मेरे साथ चलने का एक भी कारण मिले ना तो मैं बाहर खड़ा हूँ। नहीं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जिद तुम्हारा छत भी ठीक कर देगी और तुम्हारा बिल भी भर देगी। ठीक हो गई? ये लो। रुकिए। मतलब तुम्हें जो भी बोलो उसका उल्टा करती हो? नहीं तो? देखने में तो ऐसे ही लगता है। शायद देखने वाले उल्टा देखते हैं। अब चले। हेलो, देखिए आपको आना ही पड़ेगा, मना मत कीजिए। जी दा, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे फोन तो तुमसे अपने पास रखना चाहिए। हाँ चल जल्दी, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ ओए, तेरी माँ किधर है? मॉम पता नहीं डैड कहीं टेंशन ले रही होंगी। किसकी टेंशन? अरे उन्हें टेंशन लेने के किसी बात की जरूरत पड़ती है क्या डैड? चल अरे फोन उठाओ यार। यहाँ पे क्यों बुलाया? आपके बेटे की जीवन रक्षा के लिए, अन्यथा मैं यहाँ कभी नहीं आता। अब समय आ गया, उसकी तपस्या पूरी हो गई है, उसे शिव का वरदान मिला है, अब वो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है। पिछले 20 सालों से ये नागिन अपने बदले के लिए प्रतीक्षित है, उसका बदला अवश्य पूरा होगा। कोई नहीं बचेगा। तुमने बहुत भागने की कोशिश की, किंतु काल से तीव्र कोई नहीं भाग सका आज तक। सब राख हो जाएगा, ये शादी कभी नहीं हो सकती। इस घर में विपदा आकर रहेगी। Thank you.
चाची जी, चाची जी, मैं जानती हूँ आप बहुत ही परेशान, लेकिन आपकी इस परेशानी का ना हल है मेरे पास। याद है आपको पूजा करवाई थी घर पे, विभूति मिली थी, आ जाओ। विभूति भगवान की भेंट है, इसे दो ऋतिक पे लगा दो, फिर देखो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जो आप सगुन की बात करते हो ना, उसका तो टूटेगा तबला ना फूटेगी पेटी। अपना बदला लेकर ही रहती है। 20 साल पहले जो कहानी यहां शुरू हुई थी, आज वो कहानी यहीं खत्म भी होगी। Updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.